बट uh, कल हमारी तो छुट्टी हो गई अगर बाजार खुले रहते अनिल जी तो किस तरह का एक्शन समझ में आता <laughs> दो दिन मंडे और ट्यूसडे बैक टू बैक तीन तीन परसेंट की यूएस में हमने तेजी देखी थी पंद्रह सौ अंकों का उछाल था ट्यूसडे और मंडे को मिलाकर दो तीन चीजें पहले मार्केट के एक्शन को बता दें और उसके बाद में क्या कुछ और चीजें हुई इस पर विस्तार से बातचीत करें दीप सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव चीज जो है अमेरिकी देखी सात सौ पैंसठ अंकों की थी मंगलवार को साढ़े आठ सौ पॉइंट उससे भी ज्यादा तेज बंद हुआ सोचिए जबकि हम जब बंद हुए थे मंगलवार को तब डाउ फीचर्स पौने चार सौ अंक थे पौने चार सौ के सामने दुगुनी तेजी के साथ अब कुछ लोगों को लगा कि छुट्टी थी हम उसको भुला नहीं पाए फिर बुधवार को जब अमेरिकी बाजार खुले काफी नीचे खुले लेकिन जहां खुले वहीं से यू टर्न ले 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 ले। लेकर एक भी दिन सॉरी दिन क्या माफ कीजिएगा एक भी समय ऐसा नहीं दिखा जब वापस से बाजार नीचे गयो सो मैं कल के मार्केट को अमेरिका के मार्केट को मैं वॉलेटाइल मार्केट मानता ही नहीं आप कल का डाउ का चार्ट देखिए कहा वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी तो तब जबकि ऊपर नीचे ऊपर नीचे काफी हो एक तरफा तेजी हुई सबसे बढ़िया बात है कि दो दिनों तक बड़ी तेजी होने के बावजूद

इस हफ्ते जो होना है आई I मीन mean, पिछले हफ्ते की ये बात थी जो होना है, जो बैक कुछ बैक होना है पिछले हफ्ते हो जाएगा exactly. और अब जहां तक बाजारों का सवाल है अमेरिका का ट्रेंड ऊपर की तरफ का बन रहा है अब थोड़ी और जी. बाकी है हाँ बीच बीच में जब डेटा आएंगे जैसे तेरह तारीख को आपके डेटा आने वाले महंगाई के बीच में एक आध और कोई स्टेटमेंट आएंगे कब्जोर से डेटा आएंगे तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा लेकिन ट्रेंड अब ऊपर की तरफ बन रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह दीप एक ही है और वो ये कि डॉलर इंडेक्स 110 सौ दस एक सौ ग्यारह की रेंज में एक सौ पंद्रह वाला डॉलर इंडेक्स और ये बात हम आज नहीं पिछले एक महीने से लगातार कर रहे हैं आप देख लीजिए डॉलर इंडेक्स की चाल और बाजारों के मूवमेंट को दोनों को मिलाकर देख लीजिए किस वक्त कौन सा ग्लोबल ट्रिगर आपके काम आएगा कच्चा तेल ट्रिगर नहीं रहा जब था तब था इसलिए आपको ये समझना और पहचानना जरूरी कि किस वक्त ट्रिगर बदल रहा है और किस वक्त आपको ट्रिगर को शिफ्ट करना है किस वक्त अमेरिका की महंगाई का आंकड़ा ट्रिगर बनेगा किस वक्त डॉलर इंडेक्स बनेगा वक्त कच्चा तेल बनेगा क्योंकि पचासो चीज है ना आप हर रोज पचास चीज पे ट्रेड नहीं कर सकते ना तो मार्केट कौन सी चीज पकड़ रहा है और अगर हमने वो पकड़ ली काम हो गया काम हो गया सो पहली चीज तो हमने डॉलर इंडेक्स सही पकड़ लिया था कि जिस दिन डॉलर इंडेक्स टॉप आउट होने के संकेत देगा आपको धड़ाधड़ धड़ा दर नीचे आ जाएगा और ये हो भी गया दूसरा बॉन्ड्रील थोड़ी सी बढ़ी है कल कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं तीन पचहत्तर चार के नीचे जब तक हमें टेंशन नहीं है देखो अब नया हाई ना बनाए

अब नया खराब नो डाउट वहां तक पहुंचने में मार्केट थोड़े नीचे तो होंगे अगर पहुंचे तो लेकिन पॉइंट कि पैनिक नहीं होगा पैनिक आपका कब होता है जब आप कोई नई चीज देखते हैं जो पहले नहीं देखी अच्छी या खराब उस हिसाब से सो आई थिंक ग्लोबली मार्केट सेट है थोड़ा सा इक्विटी मार्केट में और इक्विटी इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग को लेकर थोड़ी सी रिस्क कैपिटाइट आ रही है पहली बार पिछले तीन दिनों में अमेरिका में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी हुई है कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स अगले तीन महीने या अगले छह महीने से हटकर मार्केट पर व्यू लेकर खरीदारी करने की सोच है एक नहीं। दूसरा वहां के मार्केट भी ओवरसोल्ड हो चुके हैं सो ओवरसोल्ड मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है और जिन इन्वेस्टर्स का व्यू एक साल प्लस का है और जब आमतौर पर राय बहरिश बने तो फिर वहां पर थोड़ा बहुत खरीदारी जो होती दिखी वो अमेरिकी मार्केट की चाल है बेसिकली वो चल रहा है अभी चलिए तो ये तो अच्छा संकेत आ गया और डॉलर का तो आपने एकदम परफेक्ट कोरिलेशन पकड़ा था